नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं एमसीए मेंस टी20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप का थर्ड मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा पीईआर वैसे एमएलसी के बीच। डी प्लेयर्स करेंगे पुरुष डिवीजन फोर। दोनों टीमों को एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंसी बिन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है। उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना और यूजर नेम @realFWP देख के अपने चैनल ज्वाइन करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच मॉर्निंग में सुबह 7:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सेलंगोर टर्फ क्लब कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो दोस्तों इस ग्राउंड पे जो बॉलर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा एडवांटेज है, खास करके पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में, उसके बाद स्पिनर्स को भी ठीक ठाक हटाना मिलता है। बैटिंग यहाँ पे उतना ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन आप फिर भी 120 से 140 के रन में स्कोरिंग देखेंगे। यहाँ पे पहले T10 मैचेस खेले जा चुके हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं बन रहा था। T10 के मैचेस में यहाँ पे 70-75 रन इवन 80 तक ही बनता था, इसके ऊपर स्कोर नहीं बनता था। तो T20 में आप 120 से 140 तक ही स्कोरिंग देखेंगे और जो मजबूत टीम है वही 140 से 150 तक जाएंगी, और कमजोर टीम तो 100 रन के अंदर भी यहाँ पे सिमटती हुई दिखती है। अब दोस्तों जो PER की टीम है, टीम काफ़ी मजबूत है। इनके पास मलेशिया के 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो मलेशिया के लिए खेल चुके हैं, मतलब 4 से 5 इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी टीम में जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पहले मैच टीम जीत के आ रही और ये लोग पहले बैटिंग करेंगे, तो आप 150 के आसपास जरूर स्कोर देख सकते हैं। इस टीम की तरफ से आप ओपनिंग करते देखेंगे आजिब खान, इनके साथ ओपन करने आएंगे एम हाजिक अयमन। यदि बात करें दोस्तों आजिब की, जो ग्रेट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में उन्होंने 1 रन का स्कोर किया। रिसेंटली जो मैचेस खेले थे T20 का, वहाँ पर 0, 18, 17, 6 और 4 का स्कोर किया था। बॉलिंग भी 2 मैच में कराई थी, जहाँ पर इनके 1 मैच में 2 विकेट मिले थे। रेगुलर बॉलर नहीं है, लास्ट मैच में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। इस टीम के पास वैसे भी बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है, तो शायद आपको बॉलिंग करते हुए ना दिखें। हाँ, बैटिंग से ओपन जरूर करेंगे, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक ठाक पिक रहेंगे। हाजिक अयमन की बात करें, जो राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 23 रन की, आखिरी के जो 5 मैचेस खेले थे 9, 2, 13, 0 और 6 का स्कोर किया था। सामने टीम कमजोर थी लास्ट मैच में, इस बार सामने टीम फिर से कमजोर है, तो हो सकता है फिर से ठीक ठाक स्कोर कर जाए, तो आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशली इनकी टीम पहले बैटिंग करे तब। जोसेफ संद्रू की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, ये अच्छे पिक रहेंगे। सिलेक्शन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट गेम भले अच्छा नहीं किया, लेकिन इनके पास मौका पूरा रहेगा परफॉर्म करने का, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे वन डाउन और साथ में 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी लास्ट गेम में, जब इनको विकेट नहीं मिला था। इस सीरीज पर जो आखिरी 2 मैच खेलते हैं, 53 और 0 किया था, 1 गेम में बॉलिंग भी कराई थी, तो बॉलिंग पार्ट टाइम ही करते हैं, मतलब आप 2-3 ओवर देख सकते हैं बॉलिंग। हाँ, ऐसा मतलब होगा जैसे टीम छठे बॉलर रूप में यूज करेगी, तो आप जोसेफ सांद्रून को कर सकती है, इसके अलावा आजिब खान को भी कर सकती है। जैसे आजिब खान है उसी टाइप से ही हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट गेम बॉलिंग कराई, तो आप सांद्रू के साथ जा सकते हैं, ये अच्छे पिक रहेंगे, आजिब खान से बेहतर ऑप्शन रहेंगे। आमिर आजिम जो कि मलेशिया के लिए भी खेलते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आउट तरफ बॉलिंग करते हैं, इवन पावर प्ले के अंदर भी डालते हैं। लास्ट गेम में 4 ओवर की बॉलिंग कराई, जहाँ पे इन्होंने 1 विकेट निकाला, 11 रन बैटिंग से किए। रिसेंटली जो मैचेस खेले थे वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक इनका जो प्लस पॉइंट है ना, 1 गेम इनको 4 विकेट मिला था, और दूसरा प्लस पॉइंट की मलेशिया के लिए भी खेलते हैं, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल टीम में खेलने का, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो इनको। बहुत कम लोग CVC कर रहे हैं, यदि आप थोड़ा रिस्क टेकर्स हैं ना, तो आप इनको CVC कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे और 4 ओवर की बॉलिंग करके जाएंगे। आमिर खान मलिक लास्ट गेम में हमारे कैप्टन थे, राइट आर्म मीडियम में 3 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, इस मैच में भी आप इन्हें CVC कर सकते हो, क्योंकि नंबर 5 बैटिंग करते हैं और बैटिंग से आंकड़े अच्छे हैं, 17, 23, 37, 84। बॉलिंग भी 3 मैच में कराई थी, जहाँ पर इनको 1 विकेट मिला था लास्ट गेम में, लेकिन हम बैटिंग से उम्मीद करके बैठे थे, लेकिन बॉलिंग से परफॉर्म कर गया बंदा, 3 विकेट निकाले, बैटिंग से हालांकि फ्लॉप रहे थे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे ऑप्शन है, नंबर 5 के आसपास बैटिंग करेंगे, साथ में आप इनसे 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी देखेंगे। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे असलम खान वाली, जिनके बैटिंग से ही आंकड़े हैं, 11, 33, 20, 18 और 16 किया हुआ है, लास्ट गेम में 13 रन की। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, जब बैटिंग इनकी टीम पहले करे तभी इनको ट्राई करेगा, नहीं तो रोज रहेंगे। नॉर्विजा जजमी डोमेस्टिक में हालांकि ओपन भी करते हैं, लेकिन लास्ट गेम में इनको नीचे खेला गया, एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, और रिसेंटली जो मैचेस खेले वहाँ पर इनके विकेट अच्छे हैं, और देखा जाए अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में खेलते हैं मलेशिया के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे, क्योंकि आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए देखेंगे, अच्छे स्पिनर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे देखें दोस्तों अमार जहूदी जो टीम के कीपर हैं, लेकिन सिर्फ आप कचिंग और स्टंपिंग से आप इनसे पॉइंट देखेंगे, बैटिंग शायद इतना नीचे ना आए। रहीम खान मलिक 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, रिसेंटली इनके आंकड़े अच्छे रहे, बॉलिंग से 3-4 ओवर डालते हैं और ब्रेक बॉलिंग करते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। आप ही लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स आंकड़े तो ठीक है, लेकिन लास्ट गेम में टीम ने इनको यूज नहीं किया, इसलिए रिस्की रहेंगे। रिजवान हैदर मस्ट हैव पिक रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छे ऑप्शन है, इस टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर, अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, आगे बॉल रखते हैं, यॉर्कर्स बहुत गजब के डालते हैं, मैं तो लाइव देख रहा था, और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, अपनी टीम में आप इनको जरूर लेके जाएं। मलेशिया के लिए भी रेगुलर खेलते रहते हैं, लास्ट गेम भी 4 ओवर
डाल के इन्हें 2 विकेट चट गए थे और रिसेंटली इनके बॉलिंग से आंकड़े भी अच्छे रहे हैं, तो आपने लेके जाना है। अब बेंचमिन के कुछ प्लेयर हैं जैसे दीयंद्र मोगन वगैरह यदि खेलेंगे, सर्वन मुनंदी वगैरह, तो ये लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है सेम प्लेइंग 11 से लास्ट मैच ये टीम जीती थी तो आपको फिर से यही लाइनअप देखने को मिल जाए और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं MLC की जो कि अपना पहला मैच हार गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा ना टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करिए। 23,000 दोस्तों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो आप जल्दी से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अब दोस्तों एमएलसी की तरफ से ओपनिंग करते देखेंगे, यहाँ से एम एडम हकीमी उनके साथ ओपन करने आएंगे 1 अमीरुल। यदि बात करें एडम की जो राइट हैंड बैट्समैन है मीडियम पे से बॉलिंग करते हैं, ग्रैंड लीग के अंदर आप इनको थोड़ा जो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लास्ट गेम में 5 रन की बैटिंग से 1 ओवर डाला, लेकिन आमतौर पर जब इनके पिछले स्टैट्स हमने देखे थे ना वहाँ पर 3-3, 4-4 ओवर डाल रहे थे। अब आखिरी के जो इन्होंने 4 मैचेस खेले थे 0 रन 1 विकेट, 36 रन 3 विकेट, 30 रन 3 विकेट और 23 रन 1 विकेट, मतलब सारे मैचेस में इन्होंने बॉलिंग कराई हुई थी और इनको टोटल 7 विकेट मिला था, लेकिन लास्ट गेम में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर कराया। तो अपनी टीम में स्मॉल लीग के अंदर आप एज ए प्लेयर रखिए, क्यों बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, लेकिन जो लोग ज़्यादा टीम से जेल खेलते हैं 5-6 टीम बना के भी 10-12 टीम बना के वो लोग उन्हें एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे 1 अमीरुल जो कि एक अच्छे कीपर है, लास्ट गेम में 3 रन की रिसेंटली जो मैचेस खेले आखिरी के पास 36-43, 16-0 और 5 का स्कोर किया, जिसमें से 2 आखिरी मैचेस में अच्छे स्कोर है, तो आप पिक कर सकते हो क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ आप ओपन करते हुए भी नजर आएंगे। अब्दुल रहमान इस टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, हालांकि पार्ट टाइम बॉलर, लेकिन लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के उन्हें 4 विकेट चटका दिए और 44 रन बैटिंग से भी करके गए थे। रिसेंटली जो मैचेस खेले वहां पे देखिए सारे मैचेस में तो बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन आखिरी के जो 5 मैच खेले उसमें से 2 गेम में बॉलिंग कराई थी, बैटिंग से तो काबिलियत रखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, CBC आप इनको भी कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अजीज की बात करें लास्ट गेम में 4 रन की, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, रिस्की रहेंगे। मोहम्मद मुनीफ की बात करें राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 18 किए, रिसेंटली जो मैचेस खेले वहाँ पे उतना कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं आया, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। इरफान राणा की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेग ब्रेक डालते हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले। रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं 2 विकेट 1 विकेट 0 और 2 अच्छे विकेट हैं, मतलब रिसेंटली जो इन्होंने मैचेस खेले हैं, तो अपनी टीम में आप इनको भी जरूर लेके जाइए, GL में CBC कर सकते हैं, थोड़ा बैटिंग का बैकअप देते हैं। डी वलीथम की बात करें क्लब लेवल के अंदर जो मैचेस खेले 8 T20 8 मैचेस वहाँ पर 296 रन है, एवरेज भी ज़्यादा नीचे खेलते हैं, बॉलिंग ज़्यादा करते नहीं, लास्ट गेम में 0 भी आउट हुए थे, लेकिन ये क्लब लेवल के आंकड़े, इसलिए मैं लास्ट गेम में भी मैंने इनको सजेस्ट नहीं किया था, फिर से बोलूँगा आप छोड़ दीजिए, कुछ खास मतलब रहेगा नहीं। आलिफ दनियाल रजलान की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक डालते हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर पूरे कराए थे, जिनमें भी मैचेस खेले हैं 25 रन 2 विकेट 4 रन 3 विकेट, 43 में 0 और 0 में 0, तो अच्छे आंकड़े हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, और ये सारे T20 के स्टेट्स से तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, क्यों बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। लास्ट गेम में देखिए उन्होंने पूरी 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी लेकिन विकेट नहीं मिले, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, अपनी टीम में आप इनको बैक कर सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे हानिफ बिन अहमद लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं, लास्ट गेम में विकेटलेस रहे, क्लब लेवल के अंदर 32 गेम इनके 43 विकेट हैं, बॉलिंग से आंकड़े अच्छे हैं, 4 ओवर पूरे कराए थे, GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इल्मी रहमान की बात करें जिन्होंने लास्ट गेम में 4 ओवर कराए थे इनको विकेट नहीं मिला, और फिर दोस्त बिन रुसली की बात करें ये तो बैटर हैं जो कि बहुत नीचे खेलते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है MLC का जो कि बैटिंग ऑर्डर भी आपको ये देखने को मिल सकता है और लाइनअप भी ये रहना चाहिए। बहरहाल इनके बेंच में 1-2 अच्छे प्लेयर हैं जैसे दिलावर अब्बास हो गए, ये अच्छे बॉलर हैं, इसके अलावा एम लुकमान हकीमी हो गए, यदि ये लोग खेलेंगे ना तो टीम वाकई में थोड़ा सा बेहतर होगी, लेकिन ये दोनों नहीं खेलेंगे तो MLC बहुत कमजोर रहेगी इस मैच में। अब बात करते हैं दोस्तों मैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वो टॉस के बाद ही बनेगी, जो आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया था टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने, 23,000 दोस्तों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन किया हुआ है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 1 अमीरुल और यहाँ पे हैं अम्मार जोहदी, लेकिन 1 अमीरुल अच्छे ऑप्शन नहीं क्योंकि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, साथ में कीपिंग करेंगे, जोहदी आपको कीपिंग से ही पॉइंट देते हुए नजर आएंगे। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, ऐसे टीम में अब्दुल रहमान रहने वाले हैं, यहाँ से आमिर राजीव है, तीसरा प्लेयर दोस्तों मैंने यहाँ से जेस संदरू को लिया हुआ है जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए देखेंगे, 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी लास्ट गेम में, नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे। आमिर राजीव के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मलेशिया के लिए भी खेलते हैं, साथ में आपको 4 नंबर बैटिंग करेंगे, 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, इसलिए कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन है, और अब्दुल रहमान को वेब सीरीज बना सकते हो, बैटिंग दोनों करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों असलम खान वाली जीवन की टीम पहले बैटिंग करे तभी ट्राई करिएगा। एक अच्छा प्लेयर आपके पास यहाँ पे और है आजेब खान, जो कि बॉलिंग शायद ना कराएं, पार्ट टाइम ही करते हैं, लेकिन बैटिंग से आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में टीम में 4 प्लेयर रहने वाले हैं, 4 के 4 ओवर इंपॉर्टेंट है, HB अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग नीचे है लेकिन बॉलिंग से 4 ओवर पूरे डाल के देंगे, ए डानी रजलान का विषय वाले भी 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कराएंगे, और नीचे के जो 2 प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ से आमिर खान मलिक कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन है, नंबर 4 पर बैटिंग,
और सात नंबर चार पाँच में बैटिंग करेंगे और तीन ओवर के आसपास बॉलिंग कराएंगे। नॉर्वे के जज में भी अच्छे लेफ्ट आउट ऑप्शन, इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में तीन बॉलर अपनी टीम में रखे हैं, मेरी टीम में यहाँ से एम इरफान राणा रहने वाले हैं, इसके अलावा रिजवान हैदर हैं, यहाँ से रहीम खान मलिक हैं। रिजवान हैदर मलेशिया के लिए भी लगातार खेलते हैं, तो ये अच्छे बॉलर हैं, जीएल में इसी जरूर बनाएगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो दोस्तों कैप्टन में रहने वाले हैं आमिर आजिम, जो कि नंबर चार पर बैटिंग करेंगे, चार ओवर की पूरी बॉलिंग कराएंगे, अच्छे स्पिनर हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इनके पास, लिए कैप्टनसी मुझे बेहतर ऑप्शन लगे। वाइस कैप्टन आमिर खान मलिक हैं, जो कि आमिर आजिम के जस्ट एक पोजीशन नीचे खेलते हैं, मतलब नंबर पाँच पे खेलते हैं और तीन ओवर के आसपास ये भी डाल सकते हैं, इसलिए मेरे वाइस कैप्टन हैं। जिनको थोड़ा सेफ खेलना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते हैं, ये दोनों के अलावा जो आप सीबीसी कर सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन आपके पास और है जिसे आप बना सकते हो, वो आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेगा, रिजवान हैदर जिनकी टीम पहले बॉलिंग करती है, और अब्दुल रहमान जो कि एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। तो स्मॉल लीग के अंदर आप इन्हीं चार में सीबीसी रखिएगा, जो लोग जीएल खेल रहे हैं तो इन चारों में तो बनाएंगे ही, इसके साथ साथ ऐसे बॉलर्स को भी सीबीसी करिएगा जो कि चार ओवर की पूरी बॉलिंग करने वाले हैं। मैंने अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स लेने की कोशिश की है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हों। आपको बैटिंग सेक्शन में जो तीनों प्लेयर देख रहे हैं, तीनों आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते नजर आएंगे। ऑलराउंडर तो सारा मतलब सारे लोग बॉलिंग करते ही हैं और बॉलिंग सेक्शन के भी सारे प्लेयर बॉलिंग करते हैं। मेरी टीम में 11 में से 10 प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो सबसे टीम बनी है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बहुत बड़े स्कोर बनते नहीं हैं, तो हम बॉलर्स और ऑलराउंडर्स जितना अपनी टीम में रखेंगे ना, हमको उतना ही फायदा मिलेगा। बहरहाल टीम यही है, लेकिन इस टीम में मैं टॉस के बाद कुछ भी चेंजेस करूँगा, तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। 23,000 ज्यादा दोस्तों ने ऑलरेडी हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन करा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं टेलीग्राम पे, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।